प्रधानमंत्री आज टोक्यो में जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के राजकीय अंतिम संस्कार में हुए शामिल। केंद्र सरकार ने फिल्म अभिनेत्री आशा पारेख को इस साल का दादा साहेब फाल्के अवार्ड देने की घोषणा की। आयुष्मान भारत डिजिटल अभियान को आज एक वर्ष हुआ पूरा। और केंद्र सरकार ने प्रदेश में इस साल खरीफ सीजन के लिए मूंग उड़द और अरहर की समर्थन मूल्य पर खरीदी को दी मंजूरी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मोनिका शर्मा और आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज टोक्यो में जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के राजकीय अंतिम संस्कार में शामिल हुए। श्री मोदी आज सुबह टोक्यो पहुंचे। उन्होंने जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा के साथ द्विपक्षीय बैठक की। बातचीत में दोनों देशों के बीच विशेष कार्यनीतिक और वैश्विक साझेदारी मजबूत करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंध बढ़ाने और क्षेत्रीय और वैश्विक हित के मुद्दों पर साथ मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता की। श्री मोदी ने श्री शिंजो आबे के असामयिक निधन पर संवेदना व्यक्त की। उन्होंने भारत जापान संबंधों को प्रगाढ़ करने और स्वतंत्र, मुक्त और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र सुनिश्चित करने में पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के योगदान का उल्लेख किया और जापान के संबंधों को नई ऊंचाई पर भी ले गए और बहुत क्षेत्रों में उसका विस्तार भी किया। और हमारी दोस्ती ने एक वैश्विक प्रभाव पैदा करने में भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई, भारत और जापान की दोस्ती ने। और इन सब के लिए आज भारत की जनता आबे शान को बहुत याद करती है। लेकिन मुझे विश्वास है कि आपके नेतृत्व में भारत जापान संबंध और अधिक गहरे होंगे और अधिक ऊंचाइयों को पार करेंगे और हम विश्व में समस्याओं के समाधान में एक उचित भूमिका निभाने के लिए समर्थ बनेंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। इससे पहले श्रीमती आबे और प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा को संबोधित ट्वीट में श्री मोदी ने सभी भारतीयों की ओर से शोक संवेदना व्यक्त की। उन्होंने दिवंगत शिंजो आबे को अपना प्रिय मित्र और भारत जापान मित्रता का बड़ा समर्थक बताया। उन्होंने कहा कि शिंजो आबे की आकांक्षा के अनुसार भारत जापान संबंधों को और मजबूत करने का कार्य जारी रहेगा। इस वर्ष 8 जुलाई को चुनाव प्रचार के दौरान शिंजो आबे की हत्या कर दी गई थी। भारत सरकार ने 9 जुलाई को उनके सम्मान में एक दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की थी। केंद्र सरकार ने फिल्म अभिनेत्री आशा पारेख को इस साल का दादा साहेब फाल्के अवार्ड देने की घोषणा की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ये अवार्ड प्रदान करेंगी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि हिंदी सिनेमा में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए ये अवार्ड दिया जा रहा है। फिल्म अवार्ड्स पर जो दिया जाएगा वो दादा साहब फाल्के अवार्ड इस बार आशा पारेख जी को चुना है। प्रख्यात फिल्म अभिनेत्री है जिन्होंने 10 वर्ष की आयु में फिल्मों में काम करना शुरू किया और प्रख्यात फिल्म निर्देशक बिमल रॉय जी ने उनको सबसे पहले माँ फिल्म में लॉन्च किया था। अगर आप देखेंगे 95 से ज़्यादा पिक्चर्स में इन्होंने काम किया है और सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन 1998 से 2001 यानी कि 1998 से 2001 तक उसकी ये चेयरपर्सन भी रही और पद्मश्री से इनको सम्मानित भी किया गया है। ये हमारे लिए गर्व का विषय है कि सूचना प्रसारण मंत्रालय द्वारा जो नेशनल फिल्म अवार्ड्स हर वर्ष करवाए जाते हैं तो 68वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स में इस बार दादा साहब फाल्के अवार्ड किसी और को नहीं, प्रख्यात फिल्म अभिनेत्री जिन्होंने 95 से ज़्यादा फिल्में की हैं आशा पारेख जी को दिया जा रहा है। आपको बता दें कि आशा पारेख 1992 में पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। उन्हें कई अवार्ड भी मिल चुके हैं। 1971 में फिल्म कटी पतंग के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्मफेयर अवार्ड उन्हें मिल चुका है।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कल भिलाई में अग्रसेन जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अग्रसेन महाराज व्यापार और निर्माण पर जोर देते थे। मुख्यमंत्री ने कोरोना काल में अग्रवाल समाज द्वारा किए गए कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि इस कार्य से समाज के बड़े वर्ग को लाभ पहुँचा है। समाजवाद के जनक कहे जाते, उस समय उन्होंने एक ईंट और एक रुपया हर समाज के व्यक्ति को उन्होंने दिया। जो मिलने आए एक रुपया दो, एक ईंट दो, मतलब ईंट दो मतलब आप निर्माण भी करो, रुपया दे ऐसे मतलब व्यापार। और इस प्रकार से उस फार्मूला को लेकर जो चले, उस नीति को लेकर जो चले, तो आज पूरे अग्रसेन महाराज के जो वंशज हैं वो पूरे देश और दुनिया में फैले हुए हैं। और मैं ये कह सकता हूँ यदि हिंदुस्तान में आज अर्थव्यवस्था में जो मजबूती आई है, जो सुदृढ़ीकृत दिखाई देता है, तो उसके पीछे बहुत बड़ा योगदान अग्रवाल समाज। इस मौके पर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि अग्रवाल समाज के लोग सामाजिक कार्य कर रहे हैं, इससे सभी को प्रेरणा मिलती है। कार्यक्रम में दुर्ग विधायक अरुण वोरा, महापौर धीरज बाकलीवाल सहित अग्रवाल समाज के नागरिक उपस्थित थे। आयुष्मान भारत डिजिटल अभियान को आज एक वर्ष पूरा हो गया है। यह योजना डिजिटल स्वास्थ्य देखभाल परिदृश्य को बदल रही है। योजना के तहत अब तक 24 करोड़ 38 लाख से ज्यादा आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता आभा बनाए गए हैं। इसमें 1,59,000 से स्वास्थ्य सुविधाओं को पंजीकृत किया गया है। 90,000 स्वास्थ्यकर्मी इसमें पंजीकृत हैं और 1,36,00,000 से ज्यादा स्वास्थ्य रिकॉर्ड जोड़े गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि देश के नागरिकों को डिजिटल स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए आज से एक वर्ष पहले डिजिटल अभियान की शुरुआत की गई थी। उन्होंने कहा कि तकनीक के इस युग में यह अभियान स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव है। श्री मांडविया ने कहा कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन एक ऐसे स्वास्थ्य मॉडल का निर्माण कर रहा है जो समग्र, सुलभ और समय बचाने वाला हो। उन्होंने कहा कि इस अभियान से रोगियों और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को आसानी हो रही है। उन्होंने सभी से डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम का हिस्सा बनने का आह्वान किया। इधर छत्तीसगढ़ आयुष्मान भारत के तहत महिलाओं के इलाज में देश में सबसे आगे है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने नई दिल्ली में इन उपलब्धियों पर स्वास्थ्य विभाग को पुरस्कृत किया है। केंद्र सरकार ने प्रदेश में इस वर्ष खरीफ सीजन के लिए मूंग, उड़द और अरहर के समर्थन मूल्य पर खरीदी को मंजूरी दे दी है। इसके तहत अब मूंग और उड़द की खरीदी 17 अक्टूबर से 16 दिसंबर तक और अरहर की खरीदी 13 मार्च से 12 मई तक की जाएगी। इसके लिए स्टेट वेयर हाउस के 20 गोदामों को बिक्री केंद्र के लिए चिन्हांकित किया गया है। अब किसानों को उड़द और मूंग प्रति क्विंटल 6,600 रुपये और अरहर का समर्थन मूल्य 7,755 रुपए प्रति क्विंटल दिया जाएगा। भारत सरकार के कृषि और कृषक कल्याण मंत्रालय के डिप्टी कमिश्नर ने आज इस संबंध में पत्र समर्थन मूल्य पर दलहन खरीदी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में इस खरीफ सीजन में 1,22,000 हेक्टेयर में उड़द की खेती, 16,340 हेक्टेयर में मूंग की खेती और 1,20,310 हेक्टेयर में अरहर की खेती की गई है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 217 करोड़ 82 लाख से ज्यादा कोविड रोधी टीके लगाए गए हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 14,08,000 से ज्यादा टीके लगाए गए। इसी दौरान 4,000 रोगी स्वस्थ हुए। अब तक 4 करोड़ 40 लाख से ज्यादा रोगी ठीक हो चुके हैं। वहीं स्वस्थ होने की दर 98.72% हो गई है। कल 3,000 से ज्यादा नए मामलों की पहचान की गई है। वर्तमान में 42,358 रोगियों का इलाज चल रहा है। अब तक 89 करोड़ 41 लाख नमूनों की जांच की जा चुकी है। इधर छत्तीसगढ़ में कल 82 मरीज पाए गए। प्रदेश में औसत पॉजिटिविटी दर 1.92% है। फिलहाल 524 मरीज विभिन्न अस्पतालों और होम आइसोलेशन में अपना उपचार करा रहे हैं। प्रदेश के 8 जिलों में कोरोना का कोई भी मरीज नहीं पाया गया है।
प्राकृतिक आपदा से प्रभावित होने वाले लोगों को राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने आपदा मित्र योजना की शुरुआत की है। इसके तहत आपदा में फंसे लोगों को बचाने के संबंध में कोरबा जिले के करीब 300 छात्र प्रशिक्षण ले रहे हैं। इस बारे में जिले के होम गार्ड के कमांडेंट पीबी सिद्धार्थ ने बताया कि छात्रों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यह स्कीम भारत सरकार द्वारा संचालित किया जा रहा है, पूरे देश में किया जा रहा है। इसी तारतम्य में हमारे छत्तीसगढ़ में 4 जिलों को चयन किया गया है, जिसमें सुकमा, राजनांदगांव, रायपुर एवं कोरबा, चारों जिलों को मिलाकर टोटल 1200 आपदा मित्र स्वयंसेवकों का गठन किया जा रहा है और इनका प्रशिक्षण किया जा रहा है। बीते मार्च 2021 में इन 1200 आपदा मित्र स्वयंसेवकों को का नामांकन जो है भारत सरकार द्वारा भेजा गया था, भारत सरकार द्वारा इन्हें नामांकित किया गया है और अभी वर्तमान में इनका प्रशिक्षण चालू किया गया है। आपदा मित्रों को प्रशिक्षण दे रहे एनडीआरएफ के सब इंस्पेक्टर जयप्रकाश सरोज ने बताया कि एनडीआरएफ के 5 सदस्य छात्रों को प्रशिक्षण दे रहे हैं। केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल, न्यूक्लियर और फ्लड रेस्क्यू, ड्रॉट, सूखा और एमएफआर, मेडिकल फर्स्ट रिस्पॉन्डर और जो है फ्लड रेस्क्यू में जो है ड्राइव इम्प्रोवाइज के द्वारा कैसे इम्प्रोवाइज अपने हाथ से बना के और कैसे लोगों को बचाया जा सकता है उसके लिए सिखलाई करेंगे। वहीं आपदा मित्र का प्रशिक्षण ले रहे छात्र गगनदास मानिकपुरी ने बताया कि 1 साल पहले उन्होंने इसके लिए पंजीयन कराया था। 1-1.5 साल पहले हमारा नॉमिनेशन हुआ था, नामांकन, तो वहाँ हमने फॉर्म भरा था। उसी के तहत अभी पिछले 5 दिनों से आपदा मित्र की यहाँ प्रशिक्षण हो रही है और मैं भी एक आपदा मित्र की तरह यहाँ पर प्रशिक्षण ले रहा हूँ, जिसमें सिद्धार्थ सर उनकी टीम है जो हमको रेगुलर बेसिस पर सुबह से लेकर शाम तक ट्रेनिंग देती है और वो ट्रेनिंग हमको बहुत अच्छी लगती है। और यहाँ पर जो रहने और खाने पीने की व्यवस्था है वो बहुत उच्चतम है और ये सारी ट्रेनिंग देख करके हमें बहुत अच्छा लग रहा है और हमको ये पता चला कि आपदा मित्र के तहत हमारा रोल क्या है, हम क्या कर सकते हैं आपदा के समय में लोगों के सामने जा करके और सबसे पहले जाने वाले और मदद पहुंचाने वाले हम ही होंगे ऐसे करके। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ के 4 जिलों सुकमा, राजनांदगांव, रायपुर सहित कोरबा को आपदा मित्र योजना में शामिल किया है। इन 4 जिलों से 1200 छात्रों को आपदा मित्र का विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने क्वार नवरात्रि के पावन अवसर पर डोंगरगढ़ स्थित माता बम्लेश्वरी की पूजा अर्चना कर प्रदेश के लोगों की सुख शांति और खुशहाली की कामना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि माता बम्लेश्वरी मंदिर का विशेष महत्व है। इस अवसर पर डोंगरगढ़ के विधायक भुवनेश्वर बघेल, खुज्जी के विधायक छन्नी साहू सहित श्रद्धालु उपस्थित थे। उधर अंबिकापुर के सिद्ध शक्तिपीठ मां महामाया मंदिर में शारदीय नवरात्र के अवसर पर श्रद्धालुओं की भीड़ देखी जा रही है। यहां देश भर से लोग मां महामाया के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। इस बारे में श्रद्धालुओं ने बताया कि वे दूर दराज के इलाकों से आए हुए हैं। मां महामाया सभी के मनोकामना पूरी करती है। जो मनोकामना पूरी होती है, आल औलाद, बाल बच्चे सब सुखी रहे, संपन्न रहे, गाँव शहर हमारा सब खुशहाल रहे, इसके मनोकामना के लिए महामाया आते हैं। हर साल की भांति इस साल भी आए। पहला दिन ही है, लोग बढ़ चढ़ कर यहाँ पर आ रहे हैं और महामाया सबकी कामना करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, अपनी कामना को रखते हैं, महामाया उनकी कामना पूरी करती है। मंदिर के पुजारी बलराम मिश्रा ने बताया कि कोरोना काल के बाद अब श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ी है। के बाद जो लोगों में प्रत्यक्ष दिख रहा है कि आस्था का विशेष यह नवरात्र का पर्व लोगों के लिए उत्साहवर्धक है। महामाया मंदिर में आज प्रथम पूजा हो रहा है और यहाँ क्या अखंड मनोकामना दीपक जलता है। घी की संख्या 2000 है और तेल की संख्या लगभग 3000 के आसपास है और अभी महामाया का राजपुरोहित जी आएंगे, उनका पूजा पाठ होगा महामाया का। भीड़ में आपराधिक तत्वों पर पुलिस खास तौर से नजर रख रही है। इस बारे में अंबिकापुर जिले के CSP अखिलेश कौशिक ने बताया कि CCTV के जरिए लोगों पर नजर रखी जा रही है। इसकी भांति इस वर्ष भी शारदीय नवरात्र बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है और इस कड़ी में मां महामाया मंदिर में भी ड्यूटी लगाई गई है और इसके अलावा यहाँ CCTV कैमरे से भी निगरानी रखी जा रही है और शहर के अलग अलग जगहों पर दुर्गा पंडाल भी लगाए गए हैं जहाँ यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित रहे, इसके लिए भी पर्याप्त मात्रा में यातायात के बल लगाए गए।
प्रदेश के दूसरे जिलों में स्थित देवी मंदिरों और शक्ति पीठों में भी श्रद्धालुओं की भीड़ दर्शनों के लिए पहुंच रही है। दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ DD News पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेगा। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने Android फोन से QR कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ DD News लिंक पर जा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ DD News Facebook और Twitter पर भी उपलब्ध है। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।